देखिए मैंने पराठे बनाने के लिए नॉर्मल आटा गूंथ दिया है। मैंने इसमें गूंथते समय 2 चम्मच ऑयल डाल दिया था, इससे क्या है पराठे आपके सॉफ्ट बनेंगे। तो आइए पराठे बनाते हैं। आइए इसके लिए आलू की फिलिंग बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड पटेटोस ले लिए हैं और हरा धनिया, हरी मिर्ची और 2 प्याज बारीक काट लिए हैं। तो ये फिलिंग बना रहे हैं हम इसमें। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये मसाले हम डालेंगे, ये है नमक, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और चाट मसाला। अब हम इसको आलू के मिक्सर में डालकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए फिलिंग रेडी हो चुकी है, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए मैंने छोटी सी रोटी बेल ली है, अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है हल्का सा और नमक और लाल मिर्ची डाल दी। अब मैं इसमें आलू का मसाला रखकर इसका पराठा बनाऊंगा। पराठा बेल लिया है मैंने, अब मैं इसको तवे पर सेक लेती हूँ। पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया है दोनों तरफ से। देखिए बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनने वाला है। देखिए पराठा सिक चुका है, अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे और इसको सर्व करते हैं। पराठे बन चुके हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए गर्मा गर्म पराठे रेडी हैं और आप इसे हरी चटनी के साथ और दही के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। आलू और प्याज का मिक्सचर बनाए उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग का पराठा। मैंने मूंग को रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था और सुबह उसे 2 सीटी लगा ली थी और बॉईल कर लिया था। अब हम इस मूंग में डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और चाट मसाला। इन सबको डालकर अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैंने इसमें हरी मिर्ची की बारीक काट कर डाल दी है। और ये मूंग बहुत हेल्दी होते हैं और इसका पराठा बहुत ही अच्छा बनता है। तो आइए हम इसका पराठा बना लेते हैं। देखिए मैंने रोटी बेल दी है और इसमें ऑयल लगाकर हल्का सा नमक और मिर्ची डाल दिया है। अब हम इसमें ये मूंग डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें भर लेंगे का पराठा बना देंगे। ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसको हम ऐसे करके इसको इसका पराठा बना लेंगे। देखिए मैंने पराठा बेल दिया है, अब इसको हम सेक लेते हैं। देखिए तवे पर मैंने डाल दिया पराठा, अब इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेते हैं। देखिए पराठा अच्छी तरह से सिक रहा है, दोनों तरफ से मैंने तेल लगा दिया था, अब ये सिक चुका है दोनों तरफ से। आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।